भी बड़ी हमने बड़ी इनके लॉन्ग मार्च देखे, कभी किसी को हमने नहीं रोका। सर्दी पड़ी, बारिश हुई, मौलाना के लॉन्ग मार्च में हमने जाके, खान साहब ने कहा लोगों को जाके देखो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सीडीए चेयरमैन को डायरेक्शन दी। इससे तो कभी मार्शल लॉ में ऐसा नहीं हुआ। ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं आसिफ जरदारी, जो मर्जी कर लें। ये देखो, ये मिसाल है इसकी, देखो जो मर्जी कर लें। इनकलाब बिल्कुल अली जैदी सिंह के सदर मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि जो मर्जी है कर लें। और अभी आपको बताएं कि कराची में नुमाइश चुरंगी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। पीटीआई कारकुनाओं के पथराव से खातून एहलकार जख्मी हो गई है। मजीद जानते हैं यासिर हुसैन से। जी यासिर हुसैन, अभी तक यहां पर सूरत हाल थम नहीं सकी है। मैं मौजूद हूं मजार कायद के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लेडी एहलकार हैं वो पीटीआई के पथराव की जर्द में आई हैं और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। अगर आप देख सकते हैं कि मुसलसल जो है वो पथराव किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, उनको रोका जा रहा है, मगर उन्होंने पुलिस की सारी रुकावटें तोड़कर जो है वो खुदादाद कॉलोनी से उनकी रैली नुमाइश चुरंगी पहुँच चुकी है और मुसलसल शदीद वहाँ की रैली की जानिब से फायरिंग और पथराव पुलिस के ऊपर किया जा रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर मजार कायद अंदर जो है वो आज शेलिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक और फायरिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा आसानियाँ यहाँ से हो सकता है। अगर मेरा कब में आप देख सकते हैं तो वो गेट के बाहर जो पीटीआई के कारकुनान और सपोर्टर और वोटर्स हैं वो मुसलसल मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी कर रही है, आंसू गैस भी, शेलिंग भी जो है उनकी जानब से।